एपीटीवी भारत आवाज देश की। अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी योग का महत्व बढ़ता नजर आ रहा है। अब विदेशी लोगों का भी योग की तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है। ये लोग भी जानने लगे हैं कि योग के अनेकों फायदे हैं। और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार अमेरिका में रहने वाले भारतीय और अमेरिका के लोगों के द्वारा ऋषिकेश में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जो ठीक आने वाले 15 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में योग के द्वारा आत्मविश्वास और कठिन से कठिन रोगों को दूर करने का जरिया बनाया जा रहा है। वहीं योग को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पिछले 67 वर्षों से अमेरिका में अमृत गुरु कार्य कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि हमने इस योग के द्वारा आज कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इसके माध्यम से हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा से भी बात कर सकते हैं और इसके साथ साथ कठिन से कठिन रोगों को भी योग के द्वारा दूर किया जा सकता है। राम कृपालु और योगा आश्रम का हमारे अमेरिका में है वो अमृत योगा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इसका प्रोग्राम यहाँ किया है और ये अमेरिका में हमारे हजारों शिष्य हैं। हम वहाँ 1960 से 57 ईयर्स से सिखाते हैं और हमने अमेरिका में सबसे बड़ा योगा आश्रम बनाया है, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा है। और जब हमने बनाया था 1982 में तो वहाँ हमारे पास 350 फुल टाइम रेसिडेंट, इतनी अच्छी, विच इज़ द योगा कैपिटल, आई थॉट वी वुड डू एंड आई थिंक देर आर मैनी मैनी पीपल हु वुड वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ योगा। अमेरिका में रह रही कामनी देसाई ने बताया कि वो ऋषिकेश आकर काफी खुश हैं। यहाँ पर जो देव भूमि की मिट्टी में मिठास है उसमें योग करने का अनुभव अपने आप में ही अनूठा है और जिस तरह से भारत में योग के माध्यम से बाबा रामदेव ने पूरे देश को बांधा है वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है और हम भी इसी के माध्यम से विश्व में योग की पहचान बनाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते अब विदेशी भी योग का महत्व जानने लगे हैं, जो कि हमारे देश की पहचान है। आगे हम हरिद्वार में भी योग करने का विचार कर रहे हैं। Spent the last 30 years helping people master the inner dimension of their lives, and I'm so happy to bring these teachings back to India. You know, India has become the information technology master of the world. And we have mastered science, we've mastered computers, we've mastered medicine, but we also have the technology and the information of how to go within. And I'm so proud to help reawaken these teachings back in India, the birthplace of this ancient inner information technology. वाकई कामिनी और अमृत गुरु काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं और लोगों को योग का महत्व भी बता रहे हैं। एपीटीवी भारत के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।